थैंक यू सो मच, 200 मच, 300 मच। जी हाँ, जितना थैंक यू बोलूँ आपको उतना कम। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद। लूसेंट बुक के इतिहास का जैसे ही विषय हमने कंप्लीट करा, वो सभी वीडियो आपने देखे, उन सभी वीडियो पर आपने एक अच्छा रिस्पांस दिया, अपनी फीलिंग को आपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझ तक पहुँचाया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। क्योंकि क्या होता है कि आपका जो रिस्पांस होता है वो मुझे एक हिम्मत देता है, मुझे एक ताकत मिलती है उस चीज़ से, और कुछ ना कुछ नया करने की, और मैं कुछ ना कुछ नया करता हूँ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। YouTube की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, YouTube के रूल्स के अकॉर्डिंग, YouTube अब हमसे ये कहता है कि आपका कोई भी सब्सक्राइबर है और आप अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उस तक वो नोटिफिकेशन उसको नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा? अगर वो सब्सक्राइब करता है और बेल आइकन पर क्लिक नहीं करता है तब। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है और आपको डेली के एक वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आपने कहीं ना कहीं बेल आइकन पर क्लिक नहीं कर रखा है। तो बेल आइकन पर क्लिक करिए तो आप देखिएगा, आपको डेली एक नोटिफिकेशन पक्का मिलेगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, पहली बार इस वीडियो को आप वॉच कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। बट लेकिन किंतु परंतु, सब्सक्राइब करने से पहले आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, फिर डिसाइड करना कि सब्सक्राइब आपको करना है या फिर नहीं करना है। अगर यूज़फुल हो ये वीडियो, ये चैनल आपके लिए, तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, जीव विज्ञान भाग एक। इसमें हम कवर करेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण, कोशिका विज्ञान और डीएनए और आरएनए में क्या क्या अंतर होता है, इसके बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। जीव विज्ञान, आखिरकार जीव विज्ञान होता क्या है, हमको ये पता होना चाहिए। यह क्या होती है? यह विज्ञान की एक शाखा होती है जिसके अंतर्गत क्या होता है, जीवधारियों का अध्ययन होता है, ठीक है? उसके बाद जो अब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बुक में इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने करा था, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है लैमार्क। आप इसको हाईलाइट करिए अपनी बुक में। अगर बुक नहीं है तो आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दूंगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। जहाँ से आपको बेस्ट लगे वहाँ से परचेस करिएगा, बट वीडियो को देखने का बेनिफिट तभी होगा जब आपके हाथ में बुक होगी ये वाली, और एक हाइलाइटर्स होगा। हाइलाइट आप करेंगे या अपने किसी पेन से, पेन ब्लू रेड किसी भी कलर से आप हाईलाइट करेंगे तो आपको पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा। देखिए, अब क्वेश्चंस यहाँ पे ये बनता है कि मधुमक्खियों का जो पालन का अध्ययन होता है विज्ञान की कौन सी शाखा में होता है, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा में होता है, उसका नाम बताइए। तो आप याद रखिएगा वो है आपका एपिकल्चर, ठीक है? तो आपका ये एपिकल्चर भी इम्पॉर्टेंट है, तो एपिकल्चर और सेरिकल्चर दोनों ही आपको याद रखने हैं, ठीक है? रेशम कीट पालन का अध्ययन जीव विज्ञान की कौन सी शाखा में होता है, तो ये है आपका सेरिकल्चर। उसके बाद में आपको ये नीचे के याद नहीं करने हैं, केवल आपको याद करना है क्या, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, क्वेश्चंस कभी कभी यहाँ पे ये भी पूछ लेता है आपसे। ये नहीं पूछेगा कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन को क्या कहते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकता है आपका, और यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकता है कि ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। आपको चार ऑप्शन देगा, फ्लावर, बर्ड्स, ठीक है ना, फिश, या फिर क्या, मधुमक्खी भी, ठीक है? तो आपको याद रखना है, हर तरह से क्वेश्चंस को बना के देखना है आपने कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऑर्निथोलॉजी में होता है पक्षियों का अध्ययन। उसके बाद हम बात करते हैं सोरोलॉजी। सोरोलॉजी में जो अध्ययन होता है वो होता है छिपकलियों का अध्ययन। तो अगला जो पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है अरस्तु के बारे में। देखिए क्या हुआ था कि जीव विज्ञान का जनक किसको बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोलते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी किसको बोलते हैं, दोनों ही नाम आप याद रखिएगा। जूलॉजी बोले या बायोलॉजी बोले तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका अरस्तु। याद रहेगा ये आपका राइट आंसर क्या रहेगा, अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी मतलब अरस्तु,
अब हम बात करते हैं कि जीवधारियों का वर्गीकरण किस किस प्रकार से होता है। तो ये वर्गीकरण जो करा था, सबसे पहले किसने करा था? ये करा था लीनियस ने, ठीक है। और जीवधारियों को दो भागों में इसका वर्गीकरण करा गया है। पहला है आपका पादप जगत, सेकंड है आपका जंतु जगत। ये चीज़ आपसे नहीं पूछेगा, आपसे केवल ये पूछेगा कि वर्गीकरण किसने करा था, उसका नाम बताइए। तो उसका नाम है लीनियस। और उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ सकता है कि फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं किसको? तो ये कहते हैं हम लोग लीनियस को। याद रहेगा आपको लीनियस? बिल्कुल रहेगा। उसके बाद में मोनेरा क्या होता है और प्रोटिस्टा क्या होता है? देखिए, इस जगत में सभी प्रायकैरियोटिक जीव, अर्थात क्या होता है इसका मतलब क्या होता है? प्रायकैरियोटिक जीव क्या होते हैं? ये होते हैं जीवाणु, बैक्टीरिया या फिर ऑर्की बैक्टीरिया, इन सभी कैटेगरी में शामिल होते हैं, ठीक है। तंतु में जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या होते हैं? प्रोटिस्टा में कौन कौन चीजें आती हैं? तो यह दो प्रकार के जीवन पद्धति रखते हैं। सूर्य के प्रकाश में अपने आप ही ये क्या होते हैं? पनपने लगते हैं, स्वपोषित होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए सूर्य के प्रकाश में क्या होते हैं, ये अपने आप ही अपना पोषण कर लेते हैं और प्रकाश के अभाव में इतर पोषित करके अंतर्गत साधारणतया प्रोटोजोआ आते हैं, ठीक है। आपसे देखिए इसकी डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं पूछेगा, छोटा मोटा ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। अगर आपका कोई अगर स्टेट पीसीएस का एग्जाम आप दे रहे हैं तो वहाँ पे मेंस में आपके ये पॉइंट काम आ सकते हैं, ठीक है। एसएससी में फिलहाल इतना कुछ नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन आपको पता होना चाहिए किसके बारे में? पादप के बारे में, कि पादप क्या होते हैं, कौन सी कैटेगरी में आते हैं। श्रेणी हमारी 5 थी। वर्गीकरण कितने भागों में करा गया? जीवधारियों को 5 जगत भागों में बांटा गया है। ये पांचों नाम इनके दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब आपको याद करना है पादप, पादप क्या होते हैं? ये होते हैं शैवाल, मांस, फूल और अपुष्पीय बीजीय पौधे जो होते हैं, वो सभी किस कैटेगरी में आते हैं? तो वो सब आते हैं पादप में। आपको 4 ऑप्शन देगा, एक में बोल देगा आपको मोनेरा, एक में देगा आपको प्रोटिस्टा, एक में बोलेगा पादप और सेकंड में बोलेगा आपको कवक। 4 ऑप्शन देगा तो आपको लगेगा ये नाम कुछ नया सा बन रहा है, मोनेरा शायद ये होगा, लेकिन यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ लॉजिक अपना नहीं लगाना है एग्जाम में, कोई कॉमन सेंस ज़्यादा यूज नहीं करना है, कॉमन सेंस आप यूज करिएगा रीजनिंग में, राइट। तो फिलहाल पादप का जो है वो है शैवाल, मांस, पुष्प और अपुष्प के बीच किस कैटेगरी में आते हैं? वो आते हैं पादप में। और उसके बाद हम बात करते हैं कवक के बारे में। कवक बोलते हैं इंग्लिश में फंगी को। और इसमें क्या होता है? जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। किसमें अवशोषण के द्वारा पोषण होता है? तो वो है आपका फंगी। अब एनिमल आपको पता होगा एनिमल क्या होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? इनको मेटाजोआ भी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको? मेटाजोआ, याद रखना। फिर जीवों का नामकरण, एक्चुअली हर कोई जो जीव है उन सब का एक साइंटिफिक नेम है, तो ये साइंटिफिक नेम किसने दिया? तो ये नाम रखा था, स्टार्टिंग करी थी लीनियस ने, कैरोलस लीनियस, ये वही लीनियस है जिसके बारे में अभी मैंने आपसे ऊपर बात करी थी, ठीक है। तो देखिए मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? एग्जाम में ये पूछता है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, आपके सामने देगा ये क्वेश्चंस। तो आपको 4 ऑप्शन देगा, वहाँ पे आपको देगा होमो, राना, फैलिस और कैनिस, इस तरह के ऑप्शन आपको देगा यहाँ पर। तो आपको याद रखना है मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो है होमो सेपियंस, और मेंढक का जो वैज्ञानिक नाम है वो है राना। तो आपको केवल मनुष्य का याद रखना है, गाय का, मक्खी का, गेहूं और मटर जरूर याद रखिएगा आप, ठीक है। अपनी बुक में देखिए मनुष्य का है होमो सेपियंस, गाय का है बोस, मक्खी का है मुस्का, गेहूं का है आपका ट्रेटिकम, मटर का है आपका पाइसम, ठीक है। पाइसम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको आने वाले वीडियो में अभी बताऊंगा कुछ टाइम बाद, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम जितनी भी वैज्ञानिक की रिसर्च होती थी वो मटर के ऊपर होती थी, ठीक है। तो इसलिए मटर का वैज्ञानिक नाम उन्होंने सबसे पहले रखा था, मनुष्य का तो बाद में पढ़ा था लेकिन पहले पढ़ा था मटर का। तो मटर का कई बार पूछ लेता है आपसे, तो मटर ये वही मटर है जो आप सब्जी में यूज करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कोशिका विज्ञान जो होता है। जीव द्रव्य का नामकरण किसने करा था? तो ये करा था पूरी किंजी ने सन 1839 में। और जीव द्रव्य को कितने भागों में डिवाइड करा जाता है? तो ये करा जाता है दो भागों में। और इसमें आपको कौन कौन से भाग हैं ये आपको याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है केवल क्या, आपको याद रखना है केवल जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग क्या होता है? जल होता है। क्या होता है उसमें? जल, वाटर, पानी, नीर।
अब हम बात करते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं काइटोलॉजी। काइटोलॉजी में किसका अध्ययन करा जाता है? क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, आपको क्वेश्चन में ये नहीं देगा कि कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं, आपको काइटोलॉजी भी दे सकता है क्वेश्चन बना करके, और आपसे पूछेगा, ऑप्शन देगा आपको कोशिका। तो हर तरह से आप क्वेश्चन को बना के देखिए, पढ़िए बुक को, और उसके बाद में हम बात करते हैं कि कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग करा था किसने करा था? वो करा था रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने करा था। कब करा था? 1665 में। कोशिका दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन से प्रकार की, या रहने दीजिए इसको फिलहाल, जरूरत नहीं है। कोशिका के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, दो ही भाग होते हैं बस केवल, ठीक है। कोशिका भित्ति की बात करते हैं, यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है और यह सेलुलोज का बना होता है। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। कौन कोशिकाओं को निश्चित आकृति और आकार देता है, कौन सी भित्ति देती है? तो वो देती है कोशिका भित्ति, ना कि कोशिका झिल्ली। तो इसको इसमें मर्ज आपने नहीं करना है, ठीक है। कोशिका भित्ति का काम क्या होता है उसको उसी तरीके से पढ़ना है, और कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है उसको उसी तरीके से हमने रीड करना है। तो आप इसको भी एक बार रीड कर लेना प्लीज। और मैं बात करता हूँ आपसे राइबोसोम। राइबोसोम का आविष्कार करा था रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने। कब करा था? 1953 में। आगे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका खोज जो करी थी वो करी थी अल्टमैन ने 1886 में। फिर हम बात करते हैं लाइसोसोम के बारे में। इसका आविष्कारक थे डी डूबे नामक एक वैज्ञानिक ने करा था। कब करी थी खोज? इसकी बारे में डिस्कस नहीं है इस बुक में, और ना ही आपसे पूछेगा। आपसे केवल ये क्वेश्चन लाइसोसोम में पूछ सकता है कि इसमें कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं। इसमें जुड़े होते हैं 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपसे 24, और इसको बोलते हैं आत्मघाती थैली, मतलब सुसाइड वेसल्स, ठीक है, याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं आपसे वर्णी लवक क्या होते हैं। तो देखिए वर्णी लवक क्या होते हैं, ये रंगीन लवक होते हैं, और जैसे कि लाल, पीले, नारंगी रंग के ये होते हैं। तो उसमें जैसे कि हमारा कोई भी आप देखते हैं टमाटर, चुकंदर, गाजर, ये सभी लाल होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, एक वर्णी लवक होता है, इसमें क्रोमोप्लास्ट होता है, ठीक है। तो उन सब क्रोमोप्लास्ट का नाम क्या क्या है? टमाटर का लाल रंग किसके कारण से होता है? तो उसमें होता है लाइकोपीन। तो लाइकोपेन बोलेगा, लाइकोपीन बोलेगा, पी डबल ई एन ई भी देगा आपको एग्जाम में, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे टमाटर का जो लाल रंग होता है उसका सबसे बड़ा रीजन होता है उसमें लाइकोपेन होता है, और गाजर का जो लाल रंग होता है उसमें क्या होता है, उसमें कैरोटीन होता है। अगर कैरोटीन निकाल दिया जाए तो गाजर क्या होगा, गाजर रेड कलर का नहीं होगा, वो किसी और ही कलर का होगा, ठीक है। चुकंदर का लाल कलर जो होता है वो होता है बीटानिन के कारण, या फिर देखिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी इस प्रकार से भी पूछ लेता है कि टमाटर का लाल रंग भूमिका निभाने के लिए, टमाटर की लाल रंग भूमिका निभाने के लिए कौन सा उसमें लवक पाया जाता है, कौन सा उसमें लवक पाया जाता है, या किस रीजन से टमाटर का रंग लाल होता है, तो बताइए। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है वो कभी कभी। तो आगे हम बात करते हैं, देखिए प्रत्येक गुणसूत्र में जैली के समान एक गाढ़ा भाग होता है। जैली कैसी होती है? जो आप बालों में जेल लगाते हैं, फेस पे जो आप जेल यूज करते हैं, कॉस्मेटिक्स आप यूज करते हैं, तो उसमें जेल जेल कैसा होता है, जेल जैम की तरह काफी गाढ़ा होता है, ठीक है। तो ये गाढ़ा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? मैट्रिक्स। तो गुणसूत्र में जो जैली के समान गाढ़ा पदार्थ मिलता है उसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क ये बनता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। अब हम बोलते हैं वंशागति का वाहक क्या होता है। देखिए वंशागति का वाहक वही होता है कि एक तकलीफ दूसरे वंश तक ट्रांसफर होती रहती है। जैसे फादर की तकलीफ उसके बच्चे तक पहुंची, कोई तकलीफ या कोई एक पॉजिटिव बात भी हो सकती है। कुछ लोग मैंने देखा है कि वो लेफ्ट हैंड से ज़्यादा काम लेते हैं, उनको लेफ्ट हैंड से बहुत ही सुटेबल फील होता है। उनके फादर भी लेफ्ट हैंड से ही काम करते थे, सबके सब लिखने का काम, जो भी सारे काम होते थे। तो कुछ लोग होते हैं कि ठीक है, सिक्स सेंस उनकी काफ़ी इंप्रूव होती है, उनको न्यूमेरिक बहुत जल्दी याद हो जाती है फादर को। तो बेटे को भी देखा जाए कुछ टाइम बाद तो न्यूमेरिक बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, किसी का फ़ोन नंबर उसको बोलो फॉरवर्ड स्पीड में तो वो फॉरवर्ड फ़ोन नंबर याद कर लेता। तो ये क्या होती है, ये वंशागति का वाहक होती हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ आरएनए और डीएनए के बारे में। मैं बात करता हूँ क्षार क्या होता है, इसी का डीएनए का पार्ट है क्षार आपका। तो डीएनए में उपस्थित क्षार जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं चार प्रकार के बेस होते हैं डीएनए में। और उसके बाद हम बात करते हैं डीएनए का कार्य क्या होता है, ये सभी अनुवांशिकी क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी एक इकाई है, यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। तो प्रोटीन संश्लेषण को कौन नियंत्रित करता है, तो वो इस सब काम क्या है, वो है डीएनए का कार्य। अब हम बात करते हैं आरएनए का निर्माण कैसे होता है। तो डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है, निर्माण होता है। तो याद रखिएगा आरएनए जो बनता है वो बनता है डीएनए से।
तो इस क्रिया में डीएनए की श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकार जुड़ जाती है। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए आरएनए संकर का निर्माण होता है। इसमें नाइट्रोजन बेस थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए इसमें हम बात करते हैं केवल प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं। प्रोटीन जो बनता है उसकी अंतिम क्रिया को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। याद रहेगा आपको ट्रांसलेशन बिल्कुल रहेगा। अब देखिए डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या होता है, इनका मुख्य अंतर क्या होता है, आपको केवल डीएनए और आरएनए में जो मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है इनकी शर्करा क्या होती है, शर्करा का क्या नाम होता है, ठीक है। तो देखिए डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा को हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज, और राइबोज बोलते हैं केवल सिंगल आरएनए को। तो आपको डीएनए फिर आरएनए दोनों की शर्करा का जो शर्करा होती है उसका नाम क्या है वो याद रखना है। और यह मुख्यतः कहाँ पर होता है, डीएनए मैक्सिमम केंद्रक में होता है, सेंटर में होता है, जबकि आरएनए एक्चुअली सेंटर में भी होगा और कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। क्योंकि देखिए ये जो आरएनए कम्प्लीटली डिपेंड होता है किस पे, डीएनए में, डीएनए से ही आरएनए निकलता है बाहर आकर के। तो ये डीएनए से ही तो निकल के बाहर आया ना आरएनए, तो डीएनए का केंद्रक क्या होगा, केंद्रक होता है इसका मुख्यतः, तो केंद्रक में से क्या निकलेगा, आरएनए निकलेगा। तो केंद्रक यहाँ पे हो गया, फिर कोशिका द्रव्य साथ में और जोड़ लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो इसका आकार क्या होता है, इसका आकार कम होता है आयताकार, और जंतु का आकार क्या होता है, ये होता है वृत्ताकार, क्या होता है वृत्ताकार। अब हम बात करते हैं कोशिका विभाजन क्या होता है, कोशिका विभाजन सबसे पहले किसने ये इन्वेंट करा था, ये 1855 में किसने करा था, बीर चाऊ ने। अब हम बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, इसका आविष्कार कब हुआ था, तो ये विभाजन जो हुआ था फार्मर और मोरे ने करा था 1905 में। तो कोशिकाओं में एक अर्धसूत्री विभाजन को हम क्या कहते हैं, कोशिकाओं में जो अर्ध विभाजन होता है या अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसका अन्य नाम क्या है, तो वो है आपका मियोसिस। अब हम बात करते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन की खोज सबसे पहले बीजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किसने करा था। देखिए सबसे ज़्यादा जो अध्ययन करा था वो करा था 1888 में किसने, स्टॉर्सबर्गर ने, क्या, स्टॉर्सबर्गर ने। तो आपके एग्जाम में स्टॉर्सबर्गर ही मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वहाँ पर आपके सामने बीजमैन बहुत ही रेयर चांस है कि आपसे पूछे। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए सम सूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर, तो कुछ ज़्यादा खास अंतर नहीं है। देखिए कि यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है और यह विभाजन क्या होता है, जनन कोशिका में होता है। समसूत्री कायिक कोशिका में, और उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिकाओं में, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो थोड़ा छोटा था लेकिन अच्छा था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करने में कंजूसी मत करिएगा। इन सभी वीडियो को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल को कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप पेटीएम के माध्यम से हमारे चैनल को कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपका हाथ बहुत टाइट है, तो प्लीज़ 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 आप बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट मत करना। ये कंट्रीब्यूशन केवल उनकी तरफ से होगा जो स्टूडेंट भी हैं और एक जॉब भी करते हैं, चाहे भले प्राइवेट जॉब करते हों, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, कुछ भी जॉब करते हों, साइड में अगर आप तैयारी भी करें तो बहुत अच्छी बात है, तैयारी भी करिए और अपनी फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको भी अच्छे से निभाइए, बहुत अच्छी बात है। तो फिलहाल मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। और एक बार अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस चैनल को तो प्लेलिस्ट में जाइए, चेक करिए, देखिए क्या क्या कुछ मैं आपको इस चैनल पर मिलेगा। बाय बाय, टेक केयर, एंड और आप सभी को मेरी तरफ से आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।